कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने अनाज मंडी का दौरा कर उठान के अभाव में सड़ रहे गेहूं व सरसों की फसल देखकर गुस्से ही गुस्से में सरकार व उसकी योजनाओं की तुलना जेब कतरों से की। किरण चौधरी ने कहा कि रोज होती बारिश व तूफान के चलते गेहूं व सरसों का उठान ना होने से किसान व आढ़ती रो रहा है और सरकार विदेशों में बैंगन देख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुशासन ना पहले किसी सरकार में था ना आगे आएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दो चार दिन में उठान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। किरण चौधरी ने कहा कि सुविधा व उठान के अभाव में गेहूं सड़ चुका है। ऐसा हालात हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में ना कभी हुए थे और ना कभी आगे होंगे। जिस हाल पे, जिस कगार पे ये सरकार ने किसान को लाके खड़ा कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, आढ़तियों को बर्बाद कर दिया है, और उससे ऊपर सबसे ज़्यादा जो मैं कहती हूँ पाप की बात ये है कि इतना सोना जो किसान ने इतनी मेहनत करके उगाया है उसको इस तरह से बर्बादी उसकी हो रही है। इससे बढ़ के और क्या दुर्भाग्य क्या होगा इस सरकार के लिए कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अफसर जो है वो सुनने वाला नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सरसों जो है कहते हैं एक एक दाना उठाया जाएगा। मार्च में विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा था कि सरसों का एक एक दाने की उठान होगा। मार्च में ये बात कही थी, आज जो है मई का जो है मिडिल मई में हम आ गए, आज तक जो है सरसों उठ नहीं रही है। तूफान आ रहे हैं, भीग रही है सारी फसल, फिर उसके बाद कह देंगे गीला हो गया, फिर वैसे नहीं उठाएंगे। तो ये लोग कहाँ जाएं अब अपने, मेरे ख्याल में कबर खोद के उसके अंदर कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं और क्या करें बेचारे। और मैं आज यहाँ कह के जा रही हूँ कि अगर ये जल्द से जल्द 2 या 3 दिन के अंदर ये नहीं उठाया तो फिर मैं आह्वान करती हूँ कि एक आंदोलन शुरू करो। इस सरकार को मालूम होना चाहिए कि इस तरह से काम नहीं होगा, और ये जो है इस तरह से कार्रवाई अगर करेगी तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो आगे पड़ेगा, जो इनके हालात हो गए हैं वो अब ये चाहे कितने ही लारे लप्पे दे दें, कितने ही झूठ बोल दें, कितने ही नए और सबब जो हैं सपने दिखा दें, जनता को समझ आ गई है कि ये लोग जो हैं कुशासन के साथ जो है कि पूरी सरकार जो है, इनसे पहले हमारे एग्रीकल्चर मंत्री जो हैं वो गए हुए थे, फिर दूसरे मंत्री जा रहे हैं, सारी सरकार जो है सैर सपाटे पे लगी हुई है। और हालात अपने प्रदेश के ये हो रहे हैं कि हमारी जो है गेहूं सरसों उसका उठान नहीं हो रहा, बारिश के अंदर भीग रही है, किसान जो है बर्बाद हो रहा है, रो रहा है आठ आठ आंसू, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, ये सारी इश्यूज तो एड्रेस करते नहीं। बाहर से क्या निवेश लेकर आ रहे हैं भगवान जाने, बैंगन देखते फिर रहे हैं वहां पर इसराइल के अंदर। अब यहाँ पे भाई बैंगनों की बात नहीं करते हम, तो गेहूं और सरसों की बात कर रहे हैं। तुम करो उसका काम, क्यों नहीं उठाते हो, क्यों नहीं जो। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।